तय कहना क्या है भैया? क्या चलते चलते अरे भुंटा के तरे तरे के तरे तरे वही मुस्की मार जिनका चावल कहिया आवा हो राम 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 घुमटा के तरे तरे वही मुस्की मार जिनका चावल कहिया साले टिर रहा राज दरबार में महाराज का दोस्त गजराज सिंह आया। साला गजराज सिंह आ गया तो महाराज के सामने गजराज सिंह और महाराज ने मिलकर के हमारा अपमान किया। अपमान किया, अब बेइज्जती हुई। हद होती है बर्दाश्त करने क्या ना? और वो गजराज सिंह हमारी औकात को अपने जूते की तरह रौंद दिया। हमें जूते की कीमत बता रहा था। कहा तो रहा कि जितना तुम्हार तनख्वाह उतने का हमारा जूता। जिंदा फोंक दूंगा, जिंदा फोंक दिन जाए। साले कोई भट्टम दिन जाए बहा ईटा पाक जाए तो चार ठाई। महाराज ने तो हमारी वफादारी को बहुत देख लिया क्या नहीं, लेकिन महाराज ने भी महामंत्री विक्रम सिंह के गद्दारी को नहीं देखा। क्या रहे लवली भाई, अब हम महाराज के बेटे का नाम ऐसा एडमिशन कराएंगे, ऐसा एडमिशन और ऐसी जगह भेजेंगे कि जिंदगी में साला कोई मास्टर काट नहीं सकता है। ये बात सिर्फ काटेगा तो मंत्री विक्रम सिंह। आओ हमारे साथ महाराज के बेटे को ले चलो, एडमिशन हम दिलाते हैं। चल वफादारी हमने किया। चल कहावत में कहा गया क्या? कहावत में कहा गया कि नेकी करो तो जूता खाओ, नेकी करो तो जूता खाओ, नेकी करो तो जूता खाओ, और करो बेईमानी तो बाबू कहलाओ। अब बेईमानी में ही भलाई है, वफादारी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आओ आज के बाद महामंत्री विक्रम सिंह के कदम वफादारी पे नहीं सीधे गद्दारी तरफ बढ़ गए। आओ इसी जगह से देखो हम कौन सी शतरंज की चाल चलते हैं। राजकुमार कहिए तो अब पढ़ना जाना चाहते हो? क्यों नहीं पढ़ोगे और क्या, एडमिशन करवाओगे? जरूर करवाऊंगा बाबू। कहिए चाचा जी, हमारा नाम तुम्हारे पिताजी ने ये कहा कि अच्छे स्कूल में कहीं हमारे बेटे का नाम यानी एडमिशन करा दो। क्यों नहीं चाचा जी? तुम्हारे कहने से होगा कि महाराज कहने से होगा? साले रह गए बुड़बक के बुड़बक, साले फैंचहा, साले घुचहा, लौंडिया जैसे बाल कटा लिए हो, शर्म नहीं आती? देखो बेटा, अब हम चलेंगे इस जंगल के साइड से, और चलने के बाद में हम तुम्हारे जंगल के उस पार बहुत बड़ी स्कूल है यानी कॉलेज है, उसमें हम तुम्हारा नाम लिखवाएंगे। अच्छा आओ हमारे साथ चलिए। बच्चा है, बच्चा है, इसलिए बच्चे को बीच में रखो, तुम पीछे रहो आगे हम रहते हैं। आओ बेटा Thank you.
चाचा जी किस रास्ते से ले जा रहे हो मुझे? देखो कितना घना जंगल है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, अरे मैं तुम्हारा चाचा हूँ, हमारे रहते हुए तुम्हें डरने की क्या बात है? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और फिर निरहो भी तो है। हमें डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा। डर लगता है, चलना पड़ेगा। जिस जगह से जिस रास्ते से ले जाऊंगा कुमार, तुम्हें सिर्फ उसी रास्ते से जाना है। अगर नहीं जाओगे तो हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह। चल मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। एडमिशन मास्टर नहीं करेंगे कुमार, महामंत्री विक्रम सिंह करेगा। और इसी जंगल में हम तुझे ऐसा एडमिशन। अगर तुम साले पुलिस को बुलाओगे तो महामंत्री विक्रम सिंह को खोपड़ी इस वक्त बहुत गर्म है, हम तुम्हें भी पेल दूंगा। निरहो घबराओ नहीं, तुम सिर्फ हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी नौकरी अच्छे जगह लगवाएंगे। खून नहीं साले, भूल जाओ, भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं और किसी ने देखा नहीं कि हमने क्या किया है। चलो हम छुप कर कर देखते हैं, छुप कर देखते हैं कि इस रास्ते से इस लाश के पास कौन आता है। अगर कोई आता है तो मुजरिम हम और तुम नहीं, जो उसके लाश के पास आएगा उसे बनाएंगे। आओ छुप करके देखते हैं। हे भगवान, इस जंगल में बच्चे की चीख सुनाई पड़ी और कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर कौन सा बच्चा इस जंगल में अभी चीखा था? चलकर आगे देखता हूं। हे भगवान, इस बच्चे का कत्ल किसने किया? आखिर ये किसका बेटा है? नहीं नहीं, ये तो महाराज बलराज सिंह हमारे दोस्त का बेटा है। ये परमोद है, परमोद बेटा। महाराज के बेटे को तुमने मार दिया? नहीं विक्रम सिंह, नहीं,
मैंने मैंने खून नहीं किया है, और मैं तो चीख सुनकर आया, और मारने वाला नहीं मालूम किधर चला गया। मंत्री विक्रम सिंह को बेवकूफ समझता है, हमने अपनी आंखों से देखा कि तुमने महाराज के बेटे का खून कर दिया। नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने करते हुए मार डाला इसे मेरे ही सामने, बोलता झूठ मुझसे क्यों जा। हराम चले, महाराज के बेटे को हमारे सामने तुमने मारा, हमारे साथ गवाह भी है और झूठ बोलता। साला मार दिया कहता हमने मारा ही नहीं। बताओ विक्रम सिंह मंत्री साहब, मैंने ये खून नहीं किया है। दोस्त के साथ गद्दारी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी सालों की शादी महाराज के बेटे से लगाया है। अगर तुम लोग ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। निराओ हरामी, काट करो, लगाओ हथकड़ी साले को, फैसला महाराज करेंगे। महाराज के बेटे को महाराज के समक्ष ले चलो, और इसको इस वक्त ले चल कमरे में। भगवान तू देख रहा है। भगवान मैंने खून नहीं किया, गरीबों का मसीहा और एक अच्छा नेक ठाकुर आज बेखता गुनाह पर मेरे ऊपर जुल्म पर जुल्म ढाया जा रहा है। और बेखता पर जुल्म प्रभु, और ऐसा गुजारा जा रहा।
मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हमारे सामने रंगे हाथों साला पकड़ा गया, शमशीर में इसके उंगलियों के निशान है कि हमारे इसके साले के इस साले इसने किया है कि हमने किया। निरहुआ महाराज के बेटे के लाश को उठाओ और इसको ले चलो कमरे में बंद रखो। जब महाराज का आदेश होगा तो महाराज के बहुत बड़े वफादार हो तुम दोस्त, यही वफादारी है, यही वफादारी है। सभी गांव वालों को बुला लो, सभी गांव वाले, अबे गांव वाले नहीं गांव वाले सभी को बुलाओ, लाश उठवाओ महाराज के समक्ष ले चलो। गांव वाले भैया आ भैया, राजकुमार का खून होएगा है, ले चलो। राज को साले राज ही रहने देना, ये हमारा का फायदा होए, हम फायदे की बात। अगर ये गजराज सिंह को हम फांसी की सजा दिलाएंगे, बेमौल साला मारा गया, तो हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे और महाराज को मारने के बाद महाराज मैं बनूंगा, क्योंकि हमने वफादारी छोड़कर गद्दारी पे पैर रख दिया है और तब तक पैर पीछे नहीं रखूंगा जब तक गजराज सिंह के हंसते खेलते हुए परिवार का नष्ट नहीं कर दूंगा, बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यानी ये महाराज जो हैं, इनको मारोगे महाराज तुम बन जाओ, मंत्री हम बनेंगे, तो दो चार साल बाद हम क्या करेंगे, फिर हम तुमको मार के महाराज हम बनेंगे, हम मंत्री रखेंगे ही नहीं। बहुत दिमाग सार कंचौदा करे साले, अभी हम महाराज बने नहीं हैं और पेलने का जुगाड़ बना रहा था, सोच रहे हैं। पहले चलो महाराज के पास। महाराज देखो गजराज सिंह को कौन सी सजा देते हैं। काम हमारा, नाम गजराज सिंह का, ऐसे है रियासत में कितने भी खून कर दूंगा, कर दूंगा। ऐसी कोई साले गली नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं यहाँ पे हमारी चली चली है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हमारा कहर नहीं है।